नमस्कार, मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके सामने एक ज्योतिष का प्रखर चिंतन मनन दे के आया हूँ। और ये देश के अंदर, सारे दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि भारत के अंदर इतनी समस्या है। वहाँ के पंत प्रधान जी नरेंद्र मोदी के पास कोरोना है। कोरोना के कारण देश का अर्थतंत्र टूट गया है, लोग मृत्यु में जा रहे हैं और इस प्रकार से घर बर्बाद हो रहे हैं। और राज्य भी इस रोग के कारण अनंत प्रकार के दुख के घूर्णी में चल रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक तरफ ये कोरोना की जो अनिश्चितता है वो बढ़ रही है और घट रही है, इससे लोग भी चिंतित हैं। एक बाजू उनके सामने चीन का प्रश्न है, वो कपटी है, दुराचारी भी है और इस प्रकार से दुनिया को छल कपट से वो कहीं न कहीं रास्ते बनाकर और अन्य प्रकार से साम्राज्य बनाने के फिक्र में है। क्या उसे वो लड़ सकेंगे, उनसे जीत सकेंगे, उनके पास क्या है तो वो आगे आएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि इनके पास स्वयं बुद्धि होनी चाहिए। जिस शासक के पास प्रखर बुद्धि होती है, चिंतन होता है, युक्ति होती है, शक्ति होती है, तो वो राष्ट्र को ऊपर ला सकता है। तो मैं ज्योतिष का एक सिद्धांत बताता हूँ। उनकी कुंडली के अंदर पंचम स्थान का मालिक शनि है, वो लाभ में है और सुख का मालिक शुक्र उसके साथ है। ये वैभव का सर्जन का कारण है और पंचम स्थान बलवान होने से उनकी निर्णय शक्ति प्रखर है और हम ये निर्णय के साथ, स्वयं शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये भी है कि नेपाल को जागना चाहिए, ये हमारा राष्ट्र है। हम कभी दुनिया के इतने आक्रमण हुए हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भारत पर आक्रमण हुए दुनिया में किसी देश पर नहीं हुए। हमने सबसे लड़े हैं। ये हमारे लड़ाई हमारे लिए कि नई बात नहीं है, अभी हम नहीं लड़ रहे हैं, पहले से हम लड़ते आए हैं। ऐसे दुश्मन को हम पैदल कुचल कर फेंक दिया है। इनके क्या चीन वाला या पाकिस्तान वाला ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि हम हारे नहीं हैं। तो यहाँ राज क्यों किया फिर मुगलों ने, अंग्रेजों ने? ये हमारी फितूरी के लिए। हमारे देश के लोग उनके में घुस गए। हम वीर हैं, हम जो युद्ध से हारे नहीं हैं, मगर हमारे लोगों ने गद्दारी से हारे हैं। तो ये गद्दार लोगों को भी ठिकाने लाने की बुद्धि हमारे पंत प्रधान में है। उनके पास गुप्तचर ऐसे हैं कि कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। वो सीक्रेट बात होती है, रस्में होती है, वो सबके सामने रखने की बात नहीं होती है। संरक्षण भी इतना बड़ा अच्छा है कि परमाणु की बात करता है पाकिस्तान, तो ये परमाणु के डराओ मत। ये परमाणु से हमारा मनोबल का परमाणु ज्यादा जोरदार है। हमारा देश की जो जनता है, हमारा देश का जो नेता है, नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र है, वो योद्धा है। हमारे देश के महिला भी महान योद्धा है और गठबंधन से महिलाओं ने लोकशाही टिकाई है। ये दुनिया के अंदर देख सकते हो कि हमारी महिला भी क्रांतिकारी है और राष्ट्र के अंदर लोकशाही टिकाने का प्रयास भी किया है। ये हमारे देश की महिलाओं का इतना परंपरा किसी भी सारे देश में, विश्व में नहीं मिलेगा। इतनी महिलाओं की ताकत है। और इसके बाद में हम कहते हैं कि उनके 6 साल में राहु पड़ा है, पर वो शत्रु राशि का है। शत्रु को वो देख लेते हैं, दोस्ती करते हैं। अगर वो चाल बदलते हैं तो ये भी चाल बदलते हैं। लड़ना हो तो मेरे पास ये हथियार है और आना नहीं बनेगा तो युक्ति करता रहेंगे। कहीं कहाँ मर गया वो ठिकाना भी किसी को नहीं मिलेगा। ये इतनी बड़ी ताकत है, दृढ़ संकल्प है। हम इस देश के अंदर सर्जनात्मक विकास कर रहे हैं और इसलिए सुख स्थान का स्वामी शुक्र है, पंचम का भी वहाँ पर है, इसलिए हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे। और मोदी जी का भाषण नहीं हो रहा है, मोदी जी की क्रांति हो रही है। वाणी के अंदर वाणी जो है वो क्रांतिकारी है। वहाँ पर वाणी स्थान में मंगल पड़ा है। देश के लिए आत्मनिर्भर शब्द दिया है। एक एक यहाँ आत्मनिर्भर हो रहा है। हमें कौन डरा सकता है? कोई बॉम्ब, कोई अणुपरमाणु या आकाश के ऊपर से आने वाले रॉकेट, ये भी हमें नहीं नष्ट कर सकते। इतना मनोबल हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है वो यहाँ के पंत प्रधान इनके पास पड़ा हुआ है। उन्हें आत्मनिर्भर के अंदर एक एक शक्ति पड़ी है। यहाँ एक एक घर एक एक लश्कर का थाना बन गया है। ये कहा कारण क्या है कि देखिए कि भारतवर्ष की कुंडली के अंदर चंद्र जो है महिला का कारक है, वो भी अभी आएंगे, वो भी मैदान में आएंगे और भाग्य हमारे भाग्य को भी देख रहा है। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। विश्व के ज्योतिषी को बुलाकर बिठा दो, एक बार ज्योतिष की परीक्षा करनी है तो एक सम्मेलन बनाओ, एक परिषद बनाओ और सब दुनिया के ज्योतिषी को बिठा के बोलो कि भारत का क्या होने वाला है। भारत विजय होने वाला है, भारत का विजय होने वाला है, अजय है, अजय है, विजेता होके रहेगा। यही ज्योतिष का संबंधन का घोषणा होगी।